फैसले में सुबह 11 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही किसानों को 0% ब्याज पर लोन जारी रखने का प्रस्ताव भी इस बैठक में रखा जाएगा। तो मंत्रालय में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कई प्रस्ताव ऐसे जिन पर मुहर लगाई जाएगी और इसके साथ ही आपको बता दें किसानों को 0% ब्याज पर लोन जारी रखने का प्रस्ताव ये भी रखा जाएगा। इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी विस्तार के साथ हम लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिन पर आज चर्चा की जाएगी और किन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है? बिल्कुल जी, देखिए आज शिवराज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक है जो 11 बजे सुबह मंत्रालय में शुरू होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो यही है कि सरकारी बैंकों के जरिए जो किसानों को ऋण दिया जाता है 0% ब्याज पर, इस योजना को आगे भी जारी रखने का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया जाएगा, क्योंकि लगातार ये बात सामने आती रही है कि किसानों को सशक्त बनाना है, किसानों की आय दोगुनी करनी है और इसके लिए जो जरूरी ऋण है, जरूरी सेवाएँ किसानों को सरकार बेहतरी के साथ पहुँचा, इस पर सरकार का हमेशा से जोर रहा है, तो इसको लेकर आज एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, पारित किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो दुग्ध संघों को नुकसान हुआ है उनको वित्तीय सहायता कर्ज के रूप में देने का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत जो मंडियों में क्रय विक्रय होता है, जो टैक्स सिस्टम होता है उसको उसमें कमी के लिए अनुसमर्थन जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। एनसीसी कैडेट कोर की जो एकेडमी के लिए भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव है इस पर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा करीब 10 से 11 ऐसे जो प्रस्ताव है जिन पर चर्चा होगी। और आज की कैबिनेट बैठक में ये भी विशेष रहेगा कि जो आम बजट आया है उससे मध्य प्रदेश में क्या कुछ विकास होने हैं, मध्य प्रदेश को कितना फंड और मिलने जा रहा है और इसका उपयोग आत्मनिर्भर भारत में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के योगदान के लिए किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि आम बजट आने के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। जया, बिल्कुल शुक्रिया आपका वासु, जानकारी साझा करने के लिए। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव किसानों से जुड़ा हुआ है जिसमें 0% ब्याज पर लोन जारी रखने की जो सुविधा है उस पर महत्वपूर्ण चर्चा आज की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से ही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज बैठकें होने जा रही हैं। 10:25 पर मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचेंगे, 10:30 पर एडीजी इंटेलिजेंस के साथ ब्रीफिंग करेंगे, इसके साथ ही 10:40 पर जनसंपर्क अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग होगी, फिर 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होनी है, 1 बजे मंत्रिमंडलीय समिति की समीक्षा करेंगे, शासकीय कर्मचारियों के अभियोजन स्वीकृति मामलों की चर्चा करेंगे और उसके बाद शाम 6 बजे आबकारी नीति पर चर्चा करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैक टू बैक बैठकें आज होने जा रही है, बहुत व्यस्त दिन मुख्यमंत्री का और लगातार बैठकें होंगी। सुबह 10:25 से ये सिलसिला शुरू होगा, शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। तो 10:25 पर मंत्रालय पहुंचेंगे, 10:30 पर एडीजी इंटेलिजेंस के साथ मुख्यमंत्री की ब्रीफिंग है, 10:40 पर जनसंपर्क अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग होगी, उसके बाद 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है, इसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक और 1 बजे मंत्रिमंडलीय समिति की समीक्षा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर ग्वालियर से है जहां व्यापार मेले के शुभारंभ की तारीख और टैक्स छूट पर फैसला आज लिया जा सकता है, आज कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। इसके साथ ही कोविड को लेकर तारीख क्योंकि तय नहीं हो पाई थी इसलिए आज फैसला होगा। 40,000 सैलानियों के बीच व्यवस्था बनाना एक सबसे बड़ी चुनौती है कोविड काल में, तो इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। ग्वालियर की व्यापार मेले के शुभारंभ की तारीख पर आज फैसला कैबिनेट बैठक में हो सकता है। तो ये खबर आपको उस वक्त की ग्वालियर से बता रहे हैं जहां